नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो पहले देखिए इसकी कटिंग कर लेना है, तो पहले इसकी कटिंग स्तर पे कर लेंगे। तो देखिए वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो देखिए साइज के हिसाब से डबल फोल्ड कर लेंगे। 32 इंच चेस्ट साइज का ये ब्लाउज होगा। और देखिए डीप गले पर ये डिजाइन है। यह लंबाई 13 इंच है, 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, 14 इंच पर इस तरह से निशान बना लेंगे। शोल्डर इसका 5 इंच, आर्म होल 6 इंच, 1.5 इंच पर इसकी गोलाई ले देंगे। तो देखिए गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखेंगे और डिजाइन के लिए यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, 3.25 इंच पर निशान बना लेंगे। गहराई इसकी 10.5 इंच, एक इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह निशान बनाएंगे। 1 इंच से लगभग 2 पॉइंट के करीब ज़्यादा ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की तरफ बढ़ाएंगे। तो देखिए कपड़े पे रख के कट कर लेना है। तो देखिए इसको यहां से कट कर देंगे। तो देखिए इसके 2 पार्ट हो गए हैं। देखिए इसको इस तरह से बना लेना है। तो देखिए ब्लाउज के सीधी वाली साइड में इस तरह से अस्तर को रख लेना है, अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अच्छे से बना लेना है। इसके बाद गले पर सिलाई लगा देना है। तो इसी तरह देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार हो गया है। तो अब देखिए इस पर डिजाइन बना लेना है। तो देखिए डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से हमने पट्टी बना ली है। तो इसकी चौड़ाई 1 इंच के करीब ली है, लगभग 1 इंच चौड़ी ये पट्टी। इस तरह सीधे सीधा कपड़ा लेकर सिलाई लगाकर इसको पलट कर तैयार कर लिया है। अब देखिए 1.5 इंच की कट कर लेना है। अब देखिए गोल्डन मोती लेंगे और बिल्कुल बराबर दूरी से इस तरह इसको बांध देना है धागे से। इस तरह देखिए धागे को टाइट से खींच देना है। उसके बाद एक मोती इस पर लगा देंगे। तो इसी तरह सारी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरह देखिए हमने सारी बना ली है। अब देखिए इसको इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह देखिए इसको लगा दिया है। तो देखिए ये कपड़ा हमने ब्लाउज के प्रिंट से मैच करता हुआ लिया है। अब ये वाला जो पट्टी लेंगे तो ब्लाउज के कपड़े से लेंगे। 1 इंच चौड़ी कट कर लेना है सीधी पट्टी।
तरह देखिए पट्टी को रखना है और डिजाइनों को अच्छे से बनाते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब देखिए इस पट्टी को इस तरह पलटना है और इस तरह से इस पर पाइपिंग बना लेना है, थोड़ी सी मोटी बना लेंगे। तो इस तरह देखिए बना लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा देना है। इसी तरह से देखिए दूसरे पार्ट पर भी बना लेना है। इस तरह देखिए दूसरे पार्ट पर भी बना लिया है। अब देखिए इस तरह से कपड़ा लेना है। तो देखिए इसकी चौड़ाई लगभग 3.5 इंच ले लेनी है, तो हमने इसकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा 4 इंच ले ली है। अब देखिए इस तरह इस पर चुनटे देना है, आधा आधा इंच की चुनटे इस पर इस तरह से बनाते हुए सेट करना है। देखिए बना लिया है। अब इस तरह से इसको सेट करना है। तो देखिए इसकी चौड़ाई 1 इंच से डबल फोल्ड करके थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पूरी इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, उसी हिसाब से इसे इसकी चौड़ाई लेते हुए इसे सेट करना है। इसे सिलाई लगाई है दोनों साइड से बराबर से पहले मिला लेना है, नाप का निशान बना लेना है, 2.5 इंच चौड़ाई रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो गले की चौड़ाई अगर कम करेंगे तो कम आ जाएगी, अगर इसे ज़्यादा फैलाएंगे तो गले की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए यहीं से इसको अच्छे से मिलाते हुए सेट कर देना है। तो देखिए जो बीच में सिलाई डाल दी थी उसे निकाल देना है। तो देखिए हमने सिलाई निकाल दी है। और देखिए ये जो चुन्नट है इसे नीचे की तरफ इस तरह से पलटना है सभी चुन्नट को, और पलटते हुए एक मोती इस पर लगा देना है। इसी तरह से सभी चुनट को पलटना है नीचे की तरफ और एक मोतिया इस पर लगाना है। तो इस तरह देखिए इसे अच्छे से बना दिया है। अब डिजाइन बनके तैयार है, गले पर डोरी लगा देना है। तरह डोरियों को लगा दिया है और इसका प्लेट्स भी बना दिया है। तो डिजाइन बनके तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।